नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। आज देश भर में दो शब्दों की चर्चा बहुत रही। ये शब्द तो सुनाए दिए थे यूपी विधानसभा में, लेकिन इसका शोर पूरे देश में गूंजा। हम बात कर रहे हैं उन दो शब्दों की जो हैं चच्चा और गच्चा। यूपी की सियासत में आज दोनों शब्द जबरदस्त उछल रहे हैं। इन पर चर्चा का बाजार खूब गर्म है। आज इन दोनों शब्दों को मैदान में लाए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा। योगी ने शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने पर निशाना साधा और आधार बनाया नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को। अब दोनों तरफ सामने वाले को ये जताने की कोशिश की जा रही है कि सामने वाले की पार्टी में अंतर्कलह है और टूट की कगार पर है। अब सवाल ये उठता है, कहीं ये माइंड गेम उपचुनाव के लिए तो नहीं है, या फिर वाकई पार्टी में अंतर्कलह है, विरोधियों के लिए बूस्टर टॉनिक का काम कर रहा है। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। हमें गच्चा नहीं मिला है। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। यूपी विधानसभा के अंदर आज चच्चा और गच्चा पर खूब राजनीति हुई। यूपी के सीएम योगी ने नेता विपक्ष के बहाने अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड को लेकर शिवपाल यादव पर तंज कसा, तो अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तलखी को लेकर योगी को टीज किया। लेकिन शब्दों की पूरी लड़ाई में गच्चा वर्ड हिट हो गया और आज की सुर्खी बन गया। चचा को गच्चा दे ही दिया। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा दे। चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा और गच्चा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तंज और मजाक में बोले गए ये शब्द आज सियासी गलियारों में सुर्खियों। अब सवाल ये उठता है कि कहां किसने गच्चा दिया और किसको गच्चा दिया। ये जानने से पहले समझिए कि आखिर ये गच्चा और चच्चा वाली बहस शुरू कहां की। आज यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा पर बयान दे रहे थे। उसी समय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उसी मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा, तो सवाल के जवाब से पहले उन्होंने माता प्रसाद पांडे के बहाने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों पर जोरदार तंज कसा। चचा को गच्चा दे ही दिया। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। इस तंज पर विधानसभा में हंसी की ठोली का बाजार ही सच गया, खूब तालियां बजी। हमें गच्चा नहीं मिला। उसके बाद बारी आई शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने भी बिल्कुल सधे हुए अंदाज से उन पर भी गच्चे वाला ही वार किया। योगी के वार में गच्चा देने वाले अखिलेश थे, तो शिवपाल के गच्चा देने वाले बयान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाला तंज। हमें गच्चा नहीं मिला है। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। अब योगी ने जख्म कुरेदा तो उसके दर्द में तमतमाए शिवपाल यादव ने।
एक और दर्द और टीस का खुलासा कर दिया। 3 वर्ष में आपके, क्या आपने शिवपाल यादव का बयान ध्यान से सुना? शिवपाल यादव ने कहा कि 3 वर्ष वो उनके संपर्क में रहे, तो गच्चा तो उन्होंने दी। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। नेता प्रतिपक्ष की सीट हासिल जाने के दर्द पर जब नमक छिड़का गया तो शिवपाल यादव ने ये भी बताने की कोशिश की कि अखिलेश यादव ने तो जो किया वो किया ही, आपने भी तो 3 साल साथ रहने के बाद भी गच्चा ही दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। ये 3 साल वो समय था जब शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग रहे और उनके बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें लगती थी, तो जुबानी ही सही, विधानसभा में दोनों तरफ से मुकाबला जोरदार दिखा। योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ शिवपाल यादव की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की, तो शिवपाल यादव ने भी पिछले दिनों यूपी बीजेपी में दिखी कलह पर योगी के जख्म कुरेद डाले। अब दोनों तरफ से जख्म कुरेदे गए तो दर्द दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में संसद के गलियारे में अखिलेश यादव से चचा को गच्चा देने वाला सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी योगी पर गच्चे वाला ही वार ठोक दिया। सर, चचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। चचा बेचारा हमेशा, तो दोनों तरफ से जुबानी बाण चलाकर एक दूसरे की कमियां गिनाने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाकर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सामने वाली पार्टी कमजोर हो रही है, उसमें अंदरूनी कलह से टूट का खतरा है। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा, बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। हालांकि सियासी जानकार अखिलेश के माता प्रसाद पांडे वाले दांव को उनका सबसे बड़ा वाला दांव मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली दरबार में हुई सुलह के बाद अब यूपी बीजेपी में भी संदेश साफ है कि यूपी में फिलहाल बॉस तो सीएम योगी ही है, यानी दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं क्योंकि सामने उपचुनाव है। ऐसे में देखना होगा किसका दांव होगा सच्चा और किसको मिलेगा गच्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा महिला सुरक्षा पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिला सुरक्षा पर उठे सवाल तो सीएम योगी ने दिया करारा जवाब। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे। यूपी विधानसभा में हुआ हंगामा, सीएम ने एसपी को बताया महिला सुरक्षा के लिए खतरा। महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। लव जिहाद पर सख्त उत्तर प्रदेश सरकार, नया कानून देगा नई धार। यूपी विधानसभा में मंगलवार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कई काम किए गए, पुलिस भर्ती में भी महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। जबकि सपा ने एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ज्यादातर महिला संबंधी अपराधों में सपाई ही शामिल होते हैं। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। समाजवादी विधायक ने यूपी में महिला और बाल अपराधों का जिक्र किया, यूपी में महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण बढ़ने का जिक्र किया। एसपी विधायक के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने विपक्षी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये लोग महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए ये समाजवादी लोग ही सबसे बड़ा खतरा है।
ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है, और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिला सुरक्षा के साथ साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कई आंकड़े रखे। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा, अपराधियों को सजा दिलाने में देश के अंदर उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यूपी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यूपी विधानसभा सत्र में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों पर रोकथाम करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद को रोकने के लिए नया कानून बनेगा, जिसके बाद लव जिहाद करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। इस बिल में लव जिहाद को लेकर सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया है। बिल में लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है। कई अपराध के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है। इसमें सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। मंगलवार को यूपी विधानसभा में सरकार की तरफ से पेश बिल पास हो गया, जिसके बाद अब यूपी में लव जिहाद के मामले में आरोपी को सख्त सजा होना तय हो गया है। ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे, छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। यूपी सरकार के लव जिहाद बिल को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस तरह के बिल से नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। बहुत से मामलों में लड़कियों की हत्या और गायब होने तक की वारदात दर्ज की गई है। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त तो नहीं की जाएंगी, और अपनी इसी कथनी को करनी में बदलने के लिए यूपी में सख्त कानून के प्रावधान की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कांवड़ यात्रा की करते हैं। सावन के महीने में यूपी से लेकर उत्तराखंड तक शिव भक्तों सड़कें गुलजार हैं, लेकिन बीच बीच में बवाल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में कांवड़ियों ने स्कूल बस पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। यमुनानगर में गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम कर लगा दिया। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़िए पुलिसकर्मियों के साथ उलझ गए। इन सभी घटनाओं में कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाया। दरअसल कई 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा का कर शिवभक्त कांवड़ लेकर निकलते हैं, और जब कांवड़ खंडित होती है, कांवड़ियों के गुस्से की ये तस्वीरें सामने आती हैं। अब आपको कांवड़ यात्रा की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। सावन के महीने हरिद्वार जाने वाली सड़कें कांवड़ियों से गुलजार हैं। यूपी सरकार नेम प्लेट से लेकर सुरक्षा के मोर्चे पर कांवड़ियों को कई सौगात दे चुकी है, और अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ियों का विशेष स्वागत किया। मोर्चे पर खुद सीएम धामी डटे हुए हैं। देखिए कांवड़ के सियासी रंग पर विशेष रिपोर्ट।
देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ इस तरह कांवड़ियों का स्वागत हुआ। उत्तराखंड सरकार ने शिव भक्तों पर आसमान से पुष्प वर्षा की। धर्मनगरी में सीएम धामी ने कांवड़ियों के चरण वंदन कर उनके पांव धोए। मंत्री मदन कौशिक ने कांवड़ियों को फूलों की माला पहनाई। शिव मंत्रोच्चार के साथ पूरी की पूरी सरकार भोले की टोलियों के सत्कार में जुटी। आदर सत्कार के बाद सीएम धामी और कांवड़ियों का एक साथ फोटोशूट हुआ। अतिथि देव भव का मंत्र दोहराते हुए सीएम ने सुनिश्चित किया कि शिव भक्तों को यात्रा के दौरान उत्तराखंड में कोई परेशानी ना हो। इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे लिए बहुत उत्सव होता है और हम उनका दिल खोल के स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, चरण वंदन करें, उनका माल्यार्पण करें, हर प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए हम खुद उनका स्वागत करके ऐसा लगता है कि उनका अभिनंदन नहीं, स्वयं का अभिनंदन। सीएम धामी ने पहले ही आला अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। शिव भक्तों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक मेले में भीड़ वाले इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, कांवड़ रूट पर शौचालय, स्नान घर, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, होटल ढाबों की गुणवत्ता के लिए चेकिंग अभियान और मेला क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो पाए। इसके जरिए धामी सरकार धार्मिक पैटर्न के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट देने की तैयारी में, साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को भी बैकफुट पर रखने की है, जो केदारनाथ यात्रा पर। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के सियासी मायनों को समझने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांवड़ के सियासी रंग देखिए। तस्वीरें मुजफ्फरनगर के कांवड़ रूट की, कोई कांवड़िया पीएम मोदी का मुखौटा लगाए तो कोई सीएम योगी का पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई जय श्री राम का झंडा लहराकर हिंदुत्व का शंखनाद कर रहा है तो कहीं जय भीम के जरिए संविधान सर्वोच्च का संदेश देने की कोशिश है। यानी जाति धर्म से लेकर सियासी तस्वीर कांवड़ यात्रा में नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह से इस बार के कांवड़ में नए नए रंग लगातार दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर जाति का रंग है, कहीं पर धर्म का, तो कहीं पर देश का। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में ही चोरी की आशंका जताई जा रही है। जांच समिति ने नकली चाबियों के जरिए भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में चोरी की संभावना जताई है। इस सरकारी जांच समिति के सदस्य जगदीश मोहंती ने शक जाहिर किया है, कीमती चीजें चोरी करने के लिए पहले नकली चाबियों का इस्तेमाल किया गया होगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ा हर काम वहां के पुजारी और मंदिर प्रशासन की समिति ही संभालती आई है। मंदिर के तहखाने में मौजूद भगवान के रत्न भंडार की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। 14 जुलाई को सरकारी आदेश पर इन रत्नों की जांच और देखरेख के लिए गठित समिति जब मंदिर के तहखाने में पहुंची तो ताला खोलने के लिए उन्हें डुप्लीकेट चाबियां दी गई, लेकिन इन डुप्लीकेट चाबियों से ताला नहीं खुला तो तहखाने के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया गया। ताला टूटने के बाद जब सरकार की तरफ से नियुक्त समिति ने इस बात का अंदेशा जताया कि वहां पूर्व में रत्न भंडार में चोरी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, जांच समिति में सदस्य रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जगदीश मोहंती ने दावा किया कि 2018 से तहखाने की असली चाबियां गायब हैं, नकली चाबियों से तहखाने का ताला नहीं खुला जिसकी वजह से मजबूरी में तालों को तोड़ना पड़ा, डुप्लीकेट चाबी के खराब होने से चोरी की आशंका है, इससे आपराधिक मकसद और कीमती सामान चुराने का इरादा दिखता है। 14 जुलाई को 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला गया था और 18 जुलाई को खजाना निकालकर उसे शिफ्ट कर दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई कमेटी के 11 सदस्यों की देखरेख में ये पूरा काम हुआ था। अब उसी टीम के सदस्य जगदीश मोहंती ने इस बात का दावा भी किया है कि जब वो तहखाने के अंदर गए तो भीतरी कक्ष के अंदर कुछ बक्से खुले मिले। भीतरी कक्ष में 3 लकड़ी की अलमारियां थी जिसमें एक स्टील की अलमारी, 2 लकड़ी के बक्से और एक लोहे का बक्सा मिला। इससे पहले ओडिशा हाईकोर्ट ने 2018 में राज्य सरकार को रत्न भंडार खोलने के निर्देश दिए थे,
जिसके बाद 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर जब 16 लोगों की टीम रत्न भंडार के चैम्बर तक पहुंची तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि यह दावा किया गया कि रत्न भंडार की चाबी खो गई है। चाबी नहीं मिली तो हंगामा हुआ, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 जून 2018 को न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को चाबी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया और चाबी का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं अब निगरानी समिति की तरफ से भी चोरी की आशंका जताए जाने पर एक बार फिर इस मुद्दे को हवा मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक हैरान करने वाली खबर। मंगलवार की शुरुआत ट्रेन हादसे की खबर के साथ हुई। झारखंड में एक पैसेंजर ट्रेन डिरेल हो गई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि वजह जिसने ट्रेन को पटरी से उतार दिया। खबरों के मुताबिक एक तिरपाल की वजह से तेज रफ्तार रेलगाड़ी पहले डिरेल हुई और उसके बाद पहले से ही डिरेल हो चुकी एक मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ट्रेन कितनी बुरी तरह से हादसे का शिकार हुई। जिन बोगियों को पटरियों से गुजरकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, वो बोगियां बेतरतीब बिखरी पड़ी हैं। हादसे की तस्वीरें ऐसी कि देखने वाला हर शख्स सहम जाए। तो जरा सोचिए कि जो लोग हादसे के दौरान सफर कर रहे होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा हुआ। हादसा मंगलवार तड़के सुबह करीब 4 बजे हुआ। तेज रफ्तार हावड़ा मेल की मालगाड़ी से टक्कर हुई। हादसे की जगह पहले से एक मालगाड़ी डीरेल हुई थी और मालगाड़ी के डिब्बे दूसरी पटरी पर आ गए थे, तभी पीछे से आ रही हावड़ा मुंबई मेल की मालगाड़ी से टक्कर हो गई और एक्सप्रेस ट्रेन के कई पैसेंजर कोच भी पटरी से उतर गए। करीब 1 किलोमीटर ट्रैक किया, स्पीड भी कम थी और टिल्ट करके वो अप मेन लाइन को इन्फ्रिंज कर रहा था। उसी टाइम हावड़ा बॉम्बे मेल यहाँ से पास हो रही। चश्मदीदों के मुताबिक 2 दिन पहले इसी रूट पर एक मालगाड़ी डीरेल हुई थी और बगल की पटरी पर उसके डिब्बे खड़े थे, जिन पर ऊपर से तिरपाल बिछाया गया था और इनमें से ही एक तिरपाल उड़कर अचानक मेल एक्सप्रेस के इंजन साइड पर आ गया। मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां डीरेल होकर मालगाड़ी की बोगियों से टकरा गईं। जब ट्रेन आ रही थी तो तिरपाल जो है वो मालगाड़ी जो सामने खड़ी है उससे उड़ के यहाँ पर आ गई, जिसके कारण ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा और ट्रेन जो स्पीड में थी वो बेपटरी हो गई। हादसे की खबर मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेलवे ने घायलों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर लापरवाही के चलते लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस हादसे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि मालगाड़ी डीरेल होने की सूचना रेलवे तक वक्त रहते क्यों नहीं पहुंची। अगर सूचना समय से पहुंचती तो इस हादसा को रोका जा सकता था। खैर, अब इस हादसे की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन जिन लोगों ने हादसे में अपने को गंवा दिया, जिनके परिवार वाले हादसे में घायल हुए, उनकी आंखों में आंसू बनकर प्रश्न तैरते रहेंगे कि आखिर कब रुकेंगे ये रेल हादसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।